हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के पुरानी वीडियोस में, आप लोगों ने देखी। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कूलम्स लॉ। देखिए, ये वाला टॉपिक अभी तक की जितनी वीडियो शूट हुई है इस चैप्टर की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो न्यूमेरिकल जनरेट होता है वो इसी टॉपिक पर जनरेट होता है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, लास्ट 10 ईयर्स के मुश्किल से एक आध साल स्किप हुआ होगा, हर साल एक न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक पर। तो न्यूमेरिकल समझने से पहले थ्योरी समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो ये जो टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ, जिस साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था उनका नाम था, पूरा नाम जॉन ऑस्टिन कूलम, जो कि 1785 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। डेट याद रखना, एग्जाम में डेट नहीं पूछी जाएगी पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इन 1785 फ्रेंच साइंटिस्ट जॉन ऑस्टिन कूलम, जिन्होंने एक लॉ दिया, और वो लॉ क्या था? ये लॉ जो है वो फोर्स फाइंड करता था। ये लॉ क्या फाइंड करता था? इन्होंने एक फोर्स फाइंड करने के लिए मेथड निकाला, और वो फोर्स किन पे? एक जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज माई चौक। हाँ, तो इन्होंने जो लॉ दिया ना, उस लॉ में इन्होंने क्या फाइंड किया? इन्होंने दो चार्जेस लिए और उन चार्जेस को कुछ दूरी पर रख दिया। उन दोनों चार्जेस को कुछ दूरी पर रख दिया। अगर मान के चलो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, अब इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी आपस में, उस फोर्स को निकालने के लिए जो इन्होंने मेथड दिया, उसी को नाम दिया गया कूलम्स लॉ। अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कंडीशंस थी, तो चलिए अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लॉ क्या था? दिस लॉ इज यूज टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। बिल्कुल सही, इस लॉ की मदद से दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकाली जाएगी। लेकिन देखिए, एक वर्ड आया यहां पे, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। की चार्जेस कैसे होने चाहिए? चार्जेस मस्ट बी पॉइंट। चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस, मतलब बहुत छोटे चार्जेस होने चाहिए। मैं अभी वो भी समझाऊंगा कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, सब समझ आएगा। चलिए, उसके बाद क्या बताया? इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्जेस मस्ट बी पॉइंट एंड एट रेस्ट। कि चार्जेस पॉइंट तो होने चाहिए, लेकिन साथ के साथ वो चार्जेस कैसे होने चाहिए? रेस्ट की कंडीशन में, मूवेबल कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर मूवेबल कंडीशन में होंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, इस लॉ को लगाने के लिए दो कंडीशंस बहुत मस्ट हैं। पहली, चार्जेस पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए। उसके बाद चार्जेस कैसे होने चाहिए? एट रेस्ट। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये लॉ वहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा, और वहाँ पे आप फोर्स फाइंड कर सकते हो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इस लॉ के हिसाब से देखिए, फोर्स तो लग रही है। अभी फोर्स हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी थी कितनी तरीके की होती हैं, या तो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगी या फिर रिपल्सिव फोर्स होगी। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी? व्हेन द चार्जेस आर अपोजिट, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स कैसी होती है? अट्रैक्टिव। अगर सेम चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो फोर्स निकल के आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। बात आई समझ में? चलिए, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के? उनके बीच में जितनी दूरी होगी उस दूरी का स्क्वायर कर दीजिए, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब बात आती है, पता कैसे चला? एक्चुअली ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली चेक करी, और जिस मेथड से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो उनका जो डिवाइस था वो टॉर्सन बैलेंस की मदद से किया था। कौन सी मेथड से? टॉर्सन बैलेंस की मदद से। चलिए, वो आपको पढ़ने नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अभी देखते हैं। चलो, अगर ये चार्ज हमारा Q1 है और ये हमारा चार्ज Q2, अभी मैं मान रहा हूं दोनों सेम चार्जेस हैं। दोनों सेम चार्जेस मतलब ये वाला भी प्लस मैग्नीट्यूड का और ये वाला भी प्लस मैग्नीट्यूड का। क्लियर है? तो देखिए, अगर मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैंने इस वाले चार्ज के ऊपर हाथ रख लिया, मैंने बोला कि भाई तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रुक। ये कहेगा ठीक है साहब, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मेरे द्वारा लगाई जाई जो फोर्स लगाई जाएगी आप उसे कैसे रोक लोगे? बिल्कुल सही बात थी। तो क्या हुआ, इस वाले चार्ज पे जब मैंने इसे हाथ रख के देखा, ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने इस वाले चार्ज को रोक लिया तो क्या हुआ, इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पर कुछ फोर्स लगाई, और वो फोर्स कैसी थी? फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स। यानी इसने इस वाले चार्ज को कुछ धक्का दिया इस तरफ, यानी इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को कुछ इस तरफ धक्का दिया। तो यार ये थोड़ा सा यूनिक ये चीजें कुछ अलग दिखी। अभी हमने क्या किया, अभी सेम वे में Q2 चार्ज को रोक लिया,
कि यार चेक तो करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फोर्स इसके ऊपर लग रही है। अब जब Q2 वाले चार्ज को आपने रोक के देखा तो सेम प्रोसेस फिर से परफॉर्म हुआ। अब इस वाले चार्ज ने इस पर फोर्स लगाई, इस वाले चार्ज ने इस पर फोर्स लगाई, लेकिन क्या कंक्लूजन निकल के आया, दोनों फोर्सेस बराबर थी। दोनों फोर्सेस कैसी थी, बराबर, लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा था। देखिए, जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स इस तरफ लग रही है, और जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स इस तरफ लग रही है। तो ये जो डायरेक्शन आ जाएगा यही कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, ये जो डायरेक्शन आ जाएगा यही आ जाएगा आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? तो अभी हमें डायरेक्शन को डील नहीं करते, अभी हम पूरा डेरिवेशन करते हैं अपना। तो चलिए, डेरिवेशन के हिसाब से क्या था, डेरिवेशन का ये पॉइंट क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमने माना इन दोनों के बीच की दूरी r है, हमने माना इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या थी, r। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये क्वेश्चन नंबर वन निकल के आई मेरी, ये क्वेश्चन नंबर टू निकल के आई। क्लियर है? अभी दोनों इक्वेशंस का मैं एडिशन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो क्या निकल के आया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, वो हमने माना के। ठीक है, ये जो k है हमारा, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आप लिख दीजिए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अब देखिए, अब यहां पर एक बात ये निकल के आती है कि ये जो k है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आप पूरा समझते जाइए पॉइंट बाय पॉइंट्स, अच्छे से समझ आएगा आपको कूलम्स लॉ। अब देखिए, इस के की जो वैल्यू होती है वो होती है के इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जो वैल्यू होती है क्या होती है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या होती है, नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन। अभी यहां से अगर आप k की यूनिट निकालोगे, अगर यहां से k की यूनिट निकाले, भाई देखो मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया, यूनिट कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को देखो, यहां से k की वैल्यू, यहां से निकाल रहा हूं मैं k की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए r स्क्वायर मल्टीप्लाई में चले जाएगा फोर्स के, ठीक है, और q1 q2 कहां जाएंगे, डिवाइड में। अब यूनिट क्या आ जाएगी, यहां से फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। आर आर में इस डिस्टेंस, डिस्टेंस की होती है मीटर और स्क्वायर होता है यानी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्यू, क्यू मीन्स चार्ज और चार्ज की होती है कूलम और दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट निकल गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारी के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात ध्यान से समझना, कहीं कहीं बुक्स में सिर्फ परमिटिविटी बोला जाएगा इसे, क्या बोला जाएगा, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर एयर या फिर वैक्यूम। देखिए हालांकि एयर और वैक्यूम बोथ आर डिफरेंट मीडियम्स, पर बुक्स में दोनों को सेम माना गया तो हम भी क्या मान के चलेंगे, सेम। तो अगर बोला जाए कि चार्ज एयर के अंदर रखा गया है, वैक्यूम के अंदर रखा गया है या फिर फ्री स्पेस में रखा गया है, बात समझना मेरी बात, अगर बोला जाए कि चार्ज, न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा आपको, इस टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगर बोला जाए चार्ज फ्री स्पेस में रखा गया है, एयर में रखा गया है या वैक्यूम में रखा गया है, तो k की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस 9 इनटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है? अब अगर बोल दिया जाए चार्ज जो है फ्री स्पेस में नहीं रखा गया, पानी में रखा गया, बात समझना, हमने तो तीन के लिए बताया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। अब बोला जाए चार्ज जो है पानी में रखा गया है,
तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या इंट्रोड्यूस होगा? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या इंट्रोड्यूस होगा? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम मींस कुछ और, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस को छोड़ के। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बात आती है कि हमें पता कैसे पड़ेगी इसकी वैल्यू, हमें पता कैसे पड़ेगी एग्जाम में। मैं अभी देखिए, आप पूरी वीडियो बने रहिए, सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट होगा हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल के देखते हैं। चलो यहां से ये वाली जगह जो है, इस वाली इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको दी जाएगी एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आएगा कि चार्ज पानी के बीच में रखा गया या किसी और मीडियम के बीच में रखा गया है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होगी। और अगर बोला जाता है एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो आपको अंडरस्टूड है, वैल्यू याद होनी चाहिए, 9 × 10⁻¹। देखो आपको ना एप्सिलॉन नॉट से मतलब ही नहीं है। अगर बोल दिया जाए एयर वैक्यूम या उसमें रखा गया है किसी भी एयर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में, तो आपका फॉर्मूला सीधा निकल के आएगा चार्जेस का, Q1 Q2 ओवर R² ये फॉर्मूला, और K की जगह आप सीधी वैल्यू डालोगे 9 × 10⁻¹। न्यूमेरिकल भी कराता हूँ चलो अभी मैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इस वैल्यू को यूज करते हैं, 1/4πε₀ = 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। एप्सिलॉन इधर जाएगा तो ये वैल्यू डिवाइड में आएंगी, तो 1/4π मल्टीप्लीकेशन में आएगा 9 × 10⁻¹ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यूनिट क्या आ रही है साथ में? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, मैं एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ये वाली टर्म पूरी उठ के इधर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, और एप्सिलॉन इधर चले जाएगा, इसके साथ में इसकी यूनिट भी आएगी। अभी जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरी वैल्यू, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, 1/4π की जगह आप 22/7 वैल्यू पुट करोगे, ये एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज। तो इसका आंसर निकल के आता है 8.85 × 10⁻¹¹. और ये वैल्यू देखिए ऊपर चली जाएगी, यानी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई निकल के? एप्सिलॉन की। जस्ट अ सेकंड चेक कर लेते हैं एक बार, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। रिकॉर्ड हो रही है। अब देखिए आप लोगों के बहुत सारी कन्फ्यूजन जनरेट हो गई वीडियो में, अब मैं बता देता हूँ कन्फ्यूजन क्या जनरेट हुई। यहाँ तक तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी मैग्नीट्यूड के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर के डिस्टेंस के। अब जैसे सॉल्व किया आपने, यहाँ तक आ गई आपकी वैल्यू एफ इक्वल टू, ये आपकी जो मेन फॉर्मूला निकल के आ गया एफ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R², यहाँ के क्या था? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अभी देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा इन द सेंस न्यूमेरिकल में इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आपका, यानी डेरिवेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, तब आपको पूरा यहाँ तक करके आना है। न्यूमेरिकल पोर्शन में रोल आपका सिर्फ यहाँ तक होगा, ये K की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। चलिए अभी मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल करके, K की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। K की वैल्यू कैसे याद रखनी होगी? कि अगर बोल दिया कि चार्ज कहाँ रखा गया है? एयर में, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। एयर के लिए क्या है हमारी? 9 × 10⁻¹। ये पूरी K की वैल्यू है, ये पूरी K की वैल्यू। यार बात यार तुम लोग ना कंफ्यूज बहुत होते हो। देखिए अगर एयर में रखा गया है तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε₀। मैं ये वाली वैल्यू बता रहा हूं, ये एयर के लिए था। अगर एयर के अलावा कहीं और होता है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4πε₀। बात समझो यार, 1/4πε₀, ये तो K की वैल्यू एयर के लिए यूज होगी। और अगर वाटर बोला जा रहा है तो ये वाली वैल्यू यूज होगी। यानी चेंज क्या हुआ इसमें? 1/4π तो सेम है, यहां भी 1/4π सेम है। एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए और ये मीडियम के लिए, वही तो मैंने आपको निकाल के बताया एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की वैल्यू। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका कूलम्स लॉ का डेरिवेशन। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
चलिए ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को करते हैं। अभी डेरिवेशन से क्या कंक्लूजन निकल के आया, डेरिवेशन देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार रिवाइज कर देता हूँ, मे भी हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो। डेरिवेशन से ये कंक्लूजन निकल के आया कि जब दो पॉइंट चार्जेस दिए होंगे और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स जनरेट हो रही होगी, यानी एक चार्ज दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा या फिर एक चार्ज दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो फोर्स निकाली जाएगी इस लॉ से। उस लॉ को बोला जाता है कूलम्स लॉ, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के मैग्नीट्यूड के, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस जितना डिस्टेंस होगा उनके बीच में उसके स्क्वायर कर दीजिए। अब इसमें सारी यूनिट्स एसआई सिस्टम में यूज की जाएंगी, यानी कूलम एसआई सिस्टम में यूज किया जाएगा, यानी चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। तो चार्ज कूलम में यूज किया जाएगा, बात समझना मेरी, और डिस्टेंस मीटर में यूज किया जाएगा, और जो आंसर निकल के आएगा वो न्यूटन में निकल के आएगा। आप यही मेथड अप्लाई करना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर पता कैसे चलेगी हमें कि चार्जेस पॉइंट चार्ज हैं या नहीं है? तो आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट चार्जेस ही गिवन होंगे। आपको क्वेश्चन में कैसे चार्जेस गिवन होंगे, पॉइंट चार्जेस ही गिवन होंगे, ठीक। तो चलिए कंक्लूजन क्या निकल के आया था, वहां से एफ की वैल्यू निकल के आई थी के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और वहां से हमने एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से, और क्या क्या निकाला था, एक तो के की वैल्यू निकाली थी 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एक किसकी वैल्यू निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली थी 8.85×10⁻¹2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आपको कोई यूज नहीं करना, इसका आपको फिलहाल कोई यूज नहीं करना। आपको सिर्फ क्या यूज करना, एक तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स के फॉर्मूले में साथ साथ आपको के की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। कब, जब आपको दोनों का मीडियम क्या दिया हुआ, एयर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। और अगली वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, डिफरेंस दोनों, यानी एयर वैक्यूम में रखे जाएंगे तब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना होगा, और किसी मीडियम में रखा जाएगा तब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना होगा। पर उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक है, वो अगली वीडियो में पहले क्लियर करेंगे तब पहुंचेंगे उन न्यूमेरिकल्स पे। तो चलिए आज ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, हमें बोला गया है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी दो स्फीयर्स हैं। What is the force of repulsion in the charge? देखिए आप दिमाग में कन्फ्यूजन जनरेट होगी, यार स्फीयर दिए हुए पॉइंट चार्ज नहीं दिए हुए, लेकिन ये स्फीयर भी आपको किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे, एज अ पॉइंट चार्ज। तो चलिए न्यूमेरिकल फॉर्म करते हैं, ये Q1 और ये Q2, दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है, दोनों की वैल्यू सेम क्या दे रखी है, 6.5×10⁻⁷, 6.5×10⁻⁷, और ये भी वैल्यू क्या दे रखी है, 6.5×10⁻⁷, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। यहीं से गड़बड़ी हो जाएगी न्यूमेरिकल में। देखो मैंने बोला था एसआई सिस्टम में, एस की तो एसआई सिस्टम में ही दे रखी है कूलम, लेकिन ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है ना आपको, मल्टीप्लाई करते हैं ना 10⁻², से मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10⁻², से 10⁻², से क्यों करते हैं बताओ एक बार। देखो भाई आपको पता है 1 meter = 100 centimeter होता है, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। बेसिक से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल्स में कन्फ्यूजन रहती है, 10⁻² से सॉल्व करनी नहीं आती। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, और 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻², और 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻²। वही तो मैंने बताया कि जब भी न्यूमेरिकल करो और अगर आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप मीटर में कैसे बदलोगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 10⁻², से और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। तो चलिए तो फॉर्मूला जनरेट करते हैं, क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू आपको पता है 9×10⁹ होता है, ठीक है, 9×10⁹ मल्टीप्लाइड बाई क्यू वन, और क्यू टू की वैल्यू सेम है, क्यू वन की वैल्यू क्या है, 6.5×10⁻⁷, और क्यू टू की वैल्यू क्या है, 6.5×10⁻⁷, डिवाइड किससे करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 50 अब सेंटीमीटर क्या बन चुका है, 50×10⁻², यानी 50×10⁻², मल्टीप्लाइड बाई 50×10⁻², क्लियर है। तो ये बेसिक था न्यूमेरिकल का। अब इसके बाद देखा जाएगा आपकी अप टू 8th की मैथ्स कैसी है।
अब देखा जाएगा आपकी अप टू एट की मैथ्स कैसी, क्योंकि अब यहाँ पे अप टू एट की मैथ्स लगेगी। चलिए बताते हैं सॉल्व करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले न्यूमेरिकल को इजी बना लेना आप लोग। यहाँ से पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ से भी ये पॉइंट हटेगा तो एक और 10 आएगा, मतलब 100 हो गया इधर, 10 × 10 100। न्यूमेरिकल ईजी बनाने का तरीका है, बाकी आप जैसे करना चाहो कर लीजिए। मैं तो क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ मैं हमेशा क्या करता हूँ, पावर्स को एक तरफ ले लेता हूँ और नॉर्मल नंबर्स को एक तरफ ले लेता हूँ, उनसे हमेशा सही आता है। आप भी यही अप्लाई करना। तो देखिए नंबर्स कौन कौन से हो गए, 9 × एक तो नंबर ये हो गया 9, एक हो गया 65 और दूसरा भी 65, 65 × 65 ×। अब क्या बचा आगे था, 10^9 मल्टीप्लाइड बाई 10^-7 मल्टीप्लाइड बाई 10^-7 और डिवाइड किससे हो रहा है, देखिए 100 मतलब 10^2 बन चुका है, 10^2 और 10^-2 ये रहा और एक 10^-2 ये रहा, 10^-2 इंटू 10^-2 मल्टीप्लाइड बाई 50 × 50। अब देखिए और इसे कैसे करेंगे आगे सॉल्व, इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए अभी और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक 10^2 और एक 10^-2 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ या ना, नहीं तो आप बेसिक फंडा लगा लीजिए, व्हेन द बेस इज सेम पावर्स विल बी एडेड, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, एड। तो देखिए इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, तो 10^ बेस यानी 2 − 2 0 हो जाएगा, 10^0 मतलब 1, यानी ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, 10^-2 बचा। अब 10^-2 ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, 10^+2 में, तो यानी अभी क्या हो जाएगा, 9 × 65 × 65 × 10। अभी देखिए पहले से और सॉल्व कर लीजिए, बेस सेम है पावर से ऐड होंगी, 10^9 और ये माइनस माइनस है, यानी −7 और −7 माइनस का 14। बात समझ रहा आ रही है यार, नहीं आ रही, देखो 10^9 मल्टीप्लाइड बाई 10^ ये क्या हो गया, 10^-7 और −7 माइनस का 14। अब बेस सेम हो गया तो पावर से ऐड होंगी, यानी 10^-14 + 9 और −14 + 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। देखिए ना 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी कितना हो गया, माइनस का 5, यानी क्या बन जाएगा इधर, 10^-5 डिवाइडेड बाई, ये 10^-2 था ऊपर जाएगा तो 10^+2 में बदल जाएगा, अब 5 × 5 = 25 यानी 2500। अब मुझे लगता है आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब ये न्यूमेरिकल पोर्शन एक तरफ से सॉल्व कर लेना, ये वाला 10^ एक तरफ, और जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.5 × 10^-2 1.5 × 10^-2 ये आई आपकी निकल के फोर्स और न्यूटन। ये था न्यूमेरिकल कि किस तरीके से सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये जो कैलकुलेशंस इतनी बच्चों की तरह करके बताई है ना, उसका रीज़न सिर्फ ये कि आपको 10^ सॉल्व करना आ जाए, वरना यही समझ नहीं आता एंड तक। क्योंकि मैं जब अपने एकेडमिक्स था यानी अपनी 12th क्लास में हुआ करता था, मुझे भी ये दिक्कतें आती थी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दिक्कतें ना आए, क्लियर है। तो ये था आज की पूरी वीडियो कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग।